शिमारू कॉमेडी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जाना चाहिए था कि तुम्हारे बस का नहीं है, पर नहीं, मैं तुम्हारी इस भोली सी शकल पे आ गई। डार्लिंग पर शट अप, खबरदार जो मुझे डार्लिंग कहा तो। मैं ना बहुत अच्छे से जानती हूँ तुम जैसे शोविनिस्ट को, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। मैं जा रही हूँ, दैट्स ऑल। डार्लिंग थोड़ी देर रुक जाओ, मैं फिर से। क्यों, क्या हो जाएगा थोड़ी देर में? काम दे वो, कुछ नहीं होने वाला तुमसे। मैं जा रही हूँ, एंड डेयर यू कॉल मी, दैट्स ऑल। मेरा नाम मनोज है, और दोस्तों जिंदगी में सेटिस्फेक्शन बहुत बड़ी चीज है। हाँ भाई, कराली चौपसी। अबे अभी सोने दिखी थी यार, बड़े गुस्से में लग रही थी। पर यार एक बात है, अबे गुस्से में भी यार बड़ी टोट लगती यार, एकदम बढ़िया। नहीं मतलब तेरी गर्लफ्रेंड है, पर तूने आतंक मचा रखा होगा है। पुष्पेंद्र कुमार वोहरा, प्यार से सब पुष्प बुलाते हैं, लेकिन सच्चा प्यार नहीं मिला, इसलिए थोड़ा छिछोरा है। आ,
अजी सुनते हो? इसे आजकल एक नया भूत चढ़ा है, योगा करने का। इसके अलावा घर में पोस्टर चिपकाता है और वैसी वाली फिल्में देखता है। भाई को मेरे बारे पूछना तो बोला कि मर गया। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, कौन है वहां? हाँ जी अंकल जी, कौन चाहिए आपको? कहाँ है वो कमीना? जी कौन कमीना? यहाँ तो बस मैं ही कमीना रहता हूँ, आप चाहो तो पूरा घर देख लो। लगता कोई नहीं आया यहाँ, लेकिन साला जहाँ कहीं में दिख गया ना, गोली मार दूंगा मैं हराम खोर को। हाँ, हाँ। भाई वो गया। कौन था आदमी? पुरुषोत्तम गुप्ता। हाँ मैं तो सारी दुनिया को जानता हूँ ना। मतलब? अबे कौन था, तेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ था, और ये तू बाहर से बिना कपड़ों के कैसे आया है? अबे यार वो लड़की है ना जिसको मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, क्या नाम है उसका? प्रियंका गुप्ता, उसके पापा जी है। ओ तो आज आशिक मियाँ को लड़की के बाप ने रंगे हाथों पकड़ लिया, इसीलिए इश्क में नंगा होके भागा है तू। घंटा अबे कुछ नहीं हुआ, खाया पिया कुछ नहीं, क्लास में क्रैक नहीं पड़ा। मतलब? अबे मतलब यह है कि मैं कोल्ड ड्रिंक पी रहा था और वो मेरी शर्ट और जींस पे गिर गई। अब वो जींस मैंने 40 दिन से पहनी हुई थी, तो लड़की ने बोला कि सर आप मुझे अपने कपड़े दे दो, मैं वॉशिंग मशीन में धो आती हूँ, और वैसे भी घर पे कोई नहीं है। तो जैसे ही मैं उस तरफ गया और मैंने उसके पापा की पैंट पहनी, उतने में वो आ गया और उसको लगा कि हमारे बीच में कुछ है। ये तो राष्ट्रीय आपदा तेरे पे ही आ गई। ओ यार बकवास ना कर, चल पता खाने में क्या है? ठंडे नूडल्स और गर्म चाय। अबे ठंडे नूडल्स खाता क्या यार? अरे गोली खाते खाते बचा है, भगवान का शुक्र मना नूडल खाने को मिल रहे हैं। अबे यार हर दिन झंडा जिंदगी मेरी। सोते टाइम लाइट बंद कर दियो। हाँ सोचा, चुपचाप। मनोज इंटरव्यू के लिए नहीं जाना क्या? हा? अबे साले कितनी देर हो गई। ठहर साले, तुझे पानी पिलाता हूँ, तू ऐसे नहीं मानेगा ना। ले ले पानी ले, तू उठ जा। साले पागल है क्या? बस होने ही वाला था। तुमसे मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है, और एक वादा है जानम। अबे भाई कहाँ की तैयारी है? ब्लाइंड डेट भाई, ब्लाइंड डेट। ब्लाइंड डेट बोले तो? अबे तुम पुराने जमाने के गवार लोग, रहो उस चक्कर में कौन से मोबाइल फोन, ब्लैंक कॉल, चिट्ठियां। भाई नई चीज आई है मार्केट में, चैटिंग मैसेंजर। देख अपना ईमेल आईडी बनाओ और ना नेट पे जाके कॉलम्स बने होते हैं, मतलब रीजन, रिलीजन, स्पोर्ट्स, रोमांस, ये वो, और ना तीन चीज लिखो, ASL प्लीज, एज, सेक्स, लोकेशन। बस एज बता दो, सेक्स करने के लिए आ जाते हैं लोकेशन पे। भाई एक लड़की फंसी है, आज जा रहा हूँ उसको मिलने के लिए, कभी देखा नहीं है, ऑफिस के पास सीधा वहीं जाऊँगा डायरेक्ट। तो फिर तो ब्लाइंड ही होगी। अबे तू क्यों चिढ़ रहा है बे, तेरे पास तो है ना सोनिया है। आया बड़ा ब्लाइंड डेट। अबे साले शक्ल देखी तूने अपनी, तेरी आईब्रो ऐसी लगती है जैसे माथे में से कैटरपिलर निकल रहे हो, ये सूखे गन्ने जैसी बॉडी पे सीतापल जैसा थोपड़ा लगाया तूने, कल के अंडे के छिलके तेरे से अब तक नहीं फेंके गए, 14 दिन से एक ही शर्ट पहन के ऑफिस जा रहा है तू। आया बड़ा ब्लाइंड डेट पे जाना है। भाई छठा दिन हुआ है उसको। तो 8 दिन तो बचे हैं ना भाई, कम से कम शर्ट तो चेंज कर ले, क्या पता देख लड़की की चॉइस बहुत ही बुरी हो और तुझको हक करना चाहे, वरना बदबू तो उसे फोन पे आ गई होगी। अबे तो भगवान ने डीओ क्यों बनाया है, हैं? भगवान ने डीओ बनाया नहीं है पहली बात तो। अबे तूने आठ नहीं देखी डीओ की? एक बार डीओ लगाओ बस, यहाँ से लड़की वहां से लड़की, गोद में लड़की, हर जगह लड़की। भाई तेरे पास तो कोई ना आता, जिस गली से तू निकलता कुत्ते बिल्ली भी भाग जाते तेरे डर से। भाई चिढ़ रहा है तू, चिढ़ रहा है तू। अबे हम तो चले ब्लाइंड डेट ले ले। अबे जाना आपके चश्मा डंडी लाके दूं।
भाई 2 रुपए का है ये। हाँ तो भाई पढ़ के वापस दे रहा हूँ ना। भाई पढ़ने के तो पैसे हैं। ले साले, मैं हलवन वाली हूँ इन 2 रुपए में। भाई तरबूज के जूस में अनार का जूस मिला के पी नेचुरल व्याग्रा होती है। भाई कभी दारू पी के किया है? लॉन्ग लास्टिंग। तुम ड्रिंक करके आए हो? गेट लॉस्ट, आई हेट ड्रंकर्स। अबे भाई तू तंदुरुस्ती के लिए ना प्रोटीन पाउडर खाना शुरू कर दे, समझा? अबे क्या आलू घिया बैंगे तो नीचे का ये खाएंगे क्या प्रोटीन पाउडर? जब आज तक इतनी ओखलियों में सर दे ही दिया है तो एक बार ये बाबा के पास भी होके आ ही जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी बताओ। बाबा जी एक बात बताओ, ये क्या है? ओह समझ गया। एनीवेज बाबा जी, वो बात ये है कि बड़ी परेशानी में हूँ बाबा, कुछ मदद कर दो। बच्चा ये बता कि अंदर वाली लोग हैं या बाहर वाली? क्या? अरे मूर्ख, दवाई खाने वाली चाहिए या लगाने वाली? खाने वाली के तो शायद साइड इफेक्ट होते हैं। बाबा जी आप ना ऐसा करो, आप मुझे लगाने की कोई दवाई दे दो। लगाने वाली हैं? ये ले लगाने वाली। ये क्या है? डिओड्रेंट? कहाँ लगाऊं इसे? अरे बेटा ये डीओ पीओ नहीं है, ये बाबा जी की चमत्कारी औषधि है, इसको कार्यक्रम से पहले लगा लेना। कहाँ लगा लेना? अरे कभी कार्यक्रम नहीं किया क्या? जहाँ लगाते हैं वहाँ लगा लेना। 500 रुपये निकालो। 500 रुपये? 500 रुपये? अरे 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 अरे, इतनी फिक्र काय को कर रहा है बेटा? हैं, इमारत को खड़ा करने के अंदर खर्चा होता है, बाकी तो मेंटेनेंस की फीस लगती है। हैं, फीस निकालो फीस। अब हमको कार्यक्रम करने के बाद बता दियो इफेक्ट कैसा रहा। सेट हो गई यार, आज लाइव सेट है यार। भगवान का शेयो, भगवान का शेयो, का शेयो, का शेयो, का शेयो, का शेयो। अबे यही देख रही है, स्माइल कर रही है, यही है, यही है, यही है। शर्ट पर ठीक कर लूँ। सेट हो जाए, लाइव सेट हो जाए, लाइव सेट हो जाए, लाइव सेट है, लाइव सेट। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, हाय, इज दैट पुष्प? Yes, 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 yes. Hi, I'm Soumya. Hello. Sit, sit. Thanks. जगह ढूंढने में प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? नहीं, कुछ खास नहीं। Nice place. Yeah. Sir, order? Yes. Would you like to have something? Do you drink? Yeah. Just get me a vodka martini with some lemon and don't put ice into it. Just get me ice cube separately.
Just get me a double. जी. सर आप क्या लेंगे? सर है? बियर? बियर लिया? ओके सर. Really nice. I like the woman who have control. Very nice. Nice. I like your shirt. Nice color. Thank you. यार तुम्हारी ड्रेस भी बहुत अच्छी है. मैंने तो तब देख लिया था जब तुम एंटर करी थी होटल में. नहीं बहुत बढ़िया ड्रेस है सही में. बड़ी दूर से तार लिया छिचोरा. भाई माहौल बहुत गर्म है. फील्डिंग जबरदस्त लगानी पड़ेगी. अब सोमे अपने बारे में कुछ बताओ ना. मेरे बारे में आई कैन गो ऑन एंड ऑन. तो ठीक है मेरे पास भी टाइम है आज तक. मुझे ना गुस्सा बहुत आता है. कभी कभी तो मैं अपने बॉस की भी बजा डालती हूँ. मैं ना थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप का हूँ. <Clumsy. laughs> Happy go lucky. मुझे फुटबॉल का बड़ा शौक है. बचपन से ही मैं फुटबॉल प्लेयर बनना चाहती थी पर जॉब में आ गई. तुम फुटबॉल खेलते हो? फुटबॉल हाँ फुटबॉल खेलता हूँ. मैं काफी अच्छा फुटबॉल खेलता हूँ अपना मोहन बागान की टीम से. पर वो तो कोलकाता की टीम है. पर तुम कह रहे थे तुम दिल्ली रहते हो. अरे वो अपना अरे मैं इतना अच्छा फुटबॉल खेलता हूँ ना कि जब जब वो लोग दिल्ली आते हैं तो मुझे फोन करके बुला लेते हैं. तो मैं उनके साथ खेल लेता हूँ. मैं जरा बाथरूम होके आता हूँ. मेरी जान मेरा बच्चा प्लीज मुझे माफ कर दो. उस दिन मैं बस कंट्रोल नहीं कर पाया. कोई हेल्थ प्रॉब्लम है? नहीं 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 आई स्वेयर गॉड प्रॉमिस मुझे कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है. वो तो मैं उस दिन इतना थका हुआ था ना. हाँ थके हुए तो तुम हो ही. अब नहीं 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 जान आज देखो आज मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ. अच्छा जान क्या है ना ये मुझे पूरी दिल्ली घूमनी पड़ती है ना इंटरव्यू देते हुए तो मैं थक जाता हूँ. और डॉक्टर भी कहते हैं ना कि अगर आदमी थका हुआ हो तो किसी चीज़ में मन नहीं लगता कमजोरी आती है. प्लीज जान प्लीज मीट मी टुडे माय प्लेस 8 PM प्लीज प्लीज. ओके आई विल थिंक अबाउट इट. लव यू बच्चा. थैंक यू बेबी. क्या एक तो रात होते ही यहाँ सब पापा बन जाते हैं. मेरा बच्चा मेरा सोना. बढ़िया है. What do you think about sex? I'm not expecting to sleep with you. Just asking. I told you, I'm clumsy. Bevdi sali. What the hell? ये क्या है? नहीं, darling, ये ऐसे ही लगाते हैं. वो hygienic होता है. साला फकीर चंद नई नई परफ्यूमें ला रहा है? आह यार भाई निकल रहा हूं मैं. Hi, hi, Manoj. No, please, have a seat. I am Varun P. Anand. I am the HR manager of this company. हमें आपका रेफरेंस मिस्टर ज्योति सागर ने दिया था. आप भी बुंदेलखंड से हैं? जी सर. Sorry, sir. That's all right.
Can I see your CV, please? Sir, CV... Resume. Sir, resume to laya nahi, kisi ne bataya nahi tha. Okay, that's no problem. Aapki prior experience kya hai? Prior experience? Sir, aap log yahan kaam kya karte hain? Aapko pata hai ki hamare paas kya vacancy hai? Nahi sir, wo bataya nahi kisi ne. अच्छा आप में से क्या काबिलियत है कि हम आपको हायर करें? हमें तो मालूम नहीं है कि आपके क्वालिफिकेशंस क्या हैं और आपको मालूम नहीं है कि यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है? सर काबिलियत तो बहुत है हमें, बुंदेलखंड में हमने बड़े बड़े झंडे गाड़े हैं। अच्छा किस चीज़ में? सर देखो, एक तो वर्ड पैड आता है मुझे, पावर पॉइंट आता है, और फोटोशॉप में एक की शक्ल दूसरे की बॉडी पे ऐसे लगा देते हैं कि लोगों को पता नहीं चलता ओरिजिनल कौन है। सर ये अर्जेंट है, मैं ले लूं? गो अहेड। हेलो, हाँ चाचा। अरे नहीं, बढ़िया जा रहा है इंटरव्यू। हाँ नहीं नहीं, बस सैलरी की बात करने वाला हूँ। हाँ तुम टेंशन मत लो, तुम खाना वाना खा लो, ठीक है? मैं यहाँ से फ्री होके कॉल करता हूँ तुमको। ओके। रियली? अच्छा आप ये बताइए कि मैं आपको क्यों हायर करूँ? सर वो हमें बताया था कि आपको एक आदमी की ज़रूरत है और हमें नौकरी चाहिए, तो कर लीजिए। एक काम करो, सिंपल सा काम, पेपर और पेन उठाओ और लिखो। चार आदमी एक खेत को 3 दिन में जोतते हैं, वही खेत को 3 आदमी कितने दिन में जोतेंगे? सर सेम खेत को। व्हाट? ऑफ कोर्स सेम खेत को। नहीं सर, आई मीन जब खेत एक बार जुत लिया तो फिर दोबारा उसको क्यों? सर एक्चुअली हमारा हिसाब में ना हाथ कमजोर रहा है हमेशा से। ओके अच्छा एक काम करो, सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं बताओ? सर अर्थ, सैटर्न, प्लूटो। और बताओ? और तो सर सब बढ़िया, आप बताओ कैसा चल रहा है? एक बात बताओ, वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 years? आप अपने आप को 5 साल के बाद कहाँ देखते हैं? सर अगर यहाँ लग गए ना तो सर बस 5 साल बाद जहाँ आप हैं वहीं देखते हैं अपने आप को। व्हाट? तो वेट, तो मैं कहूँ 5 साल के बाद? सर वो तो आपकी प्रॉब्लम है, अब मैं क्या बोलूं इस बारे में, वो आप देखिए। सिक्योरिटी। हाँ सालो ठीक है, मुझे भी नहीं नौकरी करनी इतनी घटिया सी कंपनी में। अबे जाता है कि बताऊं? हाँ बेचारे काम मर गया था, इतनी देर से खटका रहा। अभी भाई क्या हुआ तुझे, कहाँ घुस गया था? क्या हो गया भाई? अब चुप, पहले बताओ उस बोतल में क्या था? है कौन सी बोतल में? हाँ भाई तुझे थोड़ी पता था कौन सी बोतल में। अच्छा वो बोतल में यार, उसमें ना दवाई थी। दवाई? अब किस चीज की दवाई भाई? यार वो छोड़, ये बता तेरे को ये मार मार के सुजा किसने दिया? अबे ओ हलवाई, घुमा मत बात को जलेबी की तरह, बता किस चीज की दवाई थी वो? यार दरअसल वो बात ऐसी है कि अबे अगर दवाई थी तो रखता ना संदूक में अपने, अबे वहां पे क्यों रखी टेबल के ऊपर? लगा लिया मैंने सैंड समझ के। तूने सेंट समझ के स्प्रे लगा लिया?
फिर ये लड़का मुझे छेड़ रहा है। हाँ भाई, क्या हो गया भाई? कैसे छेड़ रहा है? मैं क्या छेड़ रहा हूँ भाई? छेड़ भाई, क्या बताऊँ, पब्लिक ने कहाँ कहाँ मारा है। बंदे को ऐसा नहीं मारना चाहिए ना, बहुत ज्यादा मारा है। मम्मी कसम यार, दो की चार होते होते बची है मेरी। देख मेरी बात सुन यार, तुझे कमजोरी है ना, मैं तुझे एक सरल और सटीक नुस्खा बताता हूँ। पॉर्न? हाँ भाई, पॉर्न, ब्लू फिल्म। देख पॉर्न देखने के ना कई सारे फायदे हैं। अबे तभी तो उससे कमजोरी नहीं आती। एक मिनट, आती है या नहीं आती? नहीं आती भाई, बिल्कुल नहीं आती। अबे बेस्ट फायदा तो यह है कि गैर सरकारी और सरकारी सारी पोजीशन समझ में आ जाती है। और कोई गर्लफ्रेंड का नाटक नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब ना घुमाओ फिराओ, मूवी दिखाओ, पैसे खर्च करने का नाटक ही नहीं कोई। भाई मज़े फुलाते हैं। और एक बात बताऊँ, इसमें जितनी वैरायटी मिलती है ना, कहीं नहीं मिलती। बहुत बढ़िया चीज़ है भाई। अबे तभी तो हमारे नेता आजकल चोरी छुपके से बैठ के यही तो देखते हैं, मतलब माइंड फ्रेश हो जाता है एकदम। अंदर की बात बताऊँ तेरे को, हमारे रक्त संचार के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। कहाँ का रक्त संचार? कहाँ का मतलब? पूरी बॉडी का यार। और देख खाली 20 रुपये की बात है, 20 रुपये लगे जा कहीं भी, मतलब किसी भी सीडी की दुकान पर जाके खरीद ले। अबे यार रोटी खाने के पैसे नहीं है और 20 रुपये में सीडी में लगाता फिर। अरे यार मनोज सेंटी ना कर यार, पैसे की बात है ना, मैं देता हूँ पैसे। भाई मैं देता हूँ ना पैसे, लेकिन ये ज़रूरत है। जैसे रोटी खाना ज़रूरत है ना, वैसे ये भी बॉडी की ज़रूरत है यार। चल बे चल, यही काम रह गया है। मैं तुझे बंदूक कंट्रोल करने की बात कर रहा हूँ, तू मुझे जंग पे भेज रहा है। तू चाहता है मैं भी तेरी तरह दिवाली के पटाखे पहले चला लूँ। भाई दिवाली तो तब मनाएगा ना जब तेरा रॉकेट टेक ऑफ करे। तेरा तो रॉकेट पहले से ही फ्यूज है ना, मतलब समझ रहा है तू, समझ रहा है। और रहा साहब बारू तू निकाल दे। चल बे चल, मैं कोई और जुगाड़ ढूंढ लूंगा भाई। और तू अंदर जाके मर अपने बेड पे, ये मेरा बेड है। ठीक है भाई ठीक है, नहीं हम तो हेल्प करने निकले थे यार, भलाई का जमाने ही रह गए। ठीक है बाबा जी, वो जो आपने उस दिन स्प्रे दिया था ना, उसकी स्मेल बहुत ही गंदी थी। मेरी शोना को उसकी स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं आई, और उस रात भी कुछ भी नहीं हुआ। शोना तो क्या, मच्छर तक मेरे पास नहीं आए। ओ समझ गया बेटा, अब तेरे को सीक्रेट सर्विस की जरूरत है। सीक्रेट सर्विस मतलब? अरे भैया हींग लगे ना फिट करी और रंग भी आए चोखा। ओ बाबा ओ, वो तो तुमने स्प्रे दिया था जिसकी इतनी गंदी स्मेल थी, अब हींग लगाने की बात कर रहे हो, और ये हींग लगाऊं कहाँ? ओ भैया ओ, कौन से स्कूल का पढ़ा है, है? शहीद अवध तिवारी राजहंस मॉडल स्कूल से, बुंदेलखंड वाले। पर स्कूल का क्या करना है? अरे आप वो उस दिन कोई वो खाने की गोली बता रहे थे ना। हाँ कितनी गोली दे दूँ? कितनी क्या दूँ, मुझे क्या पता, चूरन गोली थोड़ी है जो सिर दर्द तो खाने के बाद एक खा ली। ठहरा भी गोली देता हूँ तेरे को। देख ऐसा है, ये एक गोली कार्यक्रम के आधा घंटे पहले ले लियो, ये ले। खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद? अरे तेरे को आग कहीं और लगी हुई है और तू पड़ा है खाने के पीछे, हैं? हाँ बोलो। हेलो, हाय जान। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फोन करने की? मैंने आज तक तुम्हारे जैसा बेशरम आदमी नहीं देखा। तुम एक नंबर के सेल्फिश हो, सेल्फ सेंटर्ड हो। नहीं बाबू, वो मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो, अब सब ठीक है। ठीक तो तब भी था, बट वो क्या था जान? वो तो मैं आपकी और अपनी लाइफ थोड़ी सेंसेशनल और स्पाइसी बनाने के लिए लाया था। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि आपको सरप्राइज अच्छा नहीं लगेगा। बाबू आई स्वेयर, मैं कसम खाता हूँ कि आज के बाद ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जो आपको हर्ट करे। ओह रियली? प्लीज आज रात को 8 बजे मेरे घर पे। नहीं
जाओ, मेरी रूममेट अपने घर पे गई हुई है, या मैं कोई डिस्टर्ब नहीं करूँ। ओके जान, लव यू। क्या हुआ? मॉम का फोन आया था, डैड को हार्ट अटैक आया है, माइनर है लेकिन मुझे अभी घर जाना होगा। हाँ 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 जानू, तुमको जरूर जाना चाहिए। मैं ऑटो बुलाऊं? नहीं, मैंने ना टैक्सी बुलवा ली है, मैं निकलती हूँ। बस ये चाबी तुम नीचे वाली आंटी को दे देना, ठीक है? बाय। ओह शिट, अरे यार अब क्या करूं, यहाँ तो कुछ मिल भी नहीं रहा टकने के लिए। अरे यार वो चली गई, तू क्यों परेशान हो रहा है? क्या करूं, ये बैग ले जाता हूँ। उठ जा भाई, और रात को दारू पी के सोया था क्या? अरे नहीं यार, बड़ी दर्द हो रही है यार। सुन, आयोडेक्स है क्या? आयोडेक्स? हाँ। ओए कहाँ दर्द करा लिया चीते? अरे यार ये कोहनी में बड़ी दर्द हो रही है। कोहनी में? कोहनी में दर्द क्यों हो रहा है? अरे यार फिर से गया एलबीडी। अबे वो सब ठीक है पर कोहनी में दर्द कैसे हो रहा है तेरे? हैं? जा दूध वाला आ गया, दूध ले ले। अरे भैया दूध ले लो। हाँ दे दो। पतीला लेके आओ, हाथ में लोगे क्या? क्या क्या? अरे क्या हाथ में लोगे? अरे दूध हाथ में लोगे क्या? पतीला लेके आओ। ओ ओ एक मिनट। अरे अरे आराम से, हाथों में जोर नहीं है क्या? थोड़ी कसरत उसरत किया करो। अब क्या बताऊं भैया, जोर कहां कहां से निकल रहा है। क्यों, कल रात को ज्यादा जोर लगा दिए थे क्या? हाँ सारा। एक काम करो, कल से अखाड़े आ जाओ, गुरुजी ऐसी ऐसी कसरत कराएंगे कि सारी कमजोरी दूर हो जाएगी। जैसे नीम के पेड़ से मधुमक्खी। क्या बात कर रहे हो, सच बताओ? हाँ हाँ आके देख लो। अच्छा और मुझे कितने बजे आना होगा? 5 बजे आ जाओ। 5 बजे ठीक है, 6 बजे आ जाओ। 6 बजे एक काम करता हूँ, सुबह गुरुजी को यहीं भेज देता हूँ, आराम से कर लेना बिस्तर में लेटे लेटे। अरे भैया भैया भैया, अरे तुम तो नाराज़ हो गए, मैं तो ऐसे ही कह रहा था। मैं करेक्ट 6 बजे आ जाऊँगा। ठीक है, और हाँ कच्छा पहन के आना।
और लंगोट हो तो लेके आना, बांधना भी सिखा देंगे, नहीं तो घुटों में पानी भर जाता है। क्या हाल है भाई? ओए, बड़े बॉडी बिल्डिंग के टिप्स ले रहा है यार। अरे इसके बारे में तो बताना ही भूल गया, मछिंदर पाल सिंह सोडी, हमारी जिंदगी का कोड। अबे पानी किसने बंद किया? हाँ मम्मी, नहीं वो खाना तो नहीं खाया, मंगलवार था ना मेरा आज, तो इस चक्कर में। भाई वो वोडका बची है क्या? स्ट्रगलिंग राइटर है, इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं, थोड़ा रिवर्स लेते हैं। सर मैंने ना एक नई कहानी लिखी है, लव स्टोरी है सर, बहुत प्यारी है, सुनाऊं? हाँ सुनाओ। हाँ सर, डीप इमोशनल लव स्टोरी है ना, ध्यान से सुनना। सर क्या होता है कि पहाड़ों में ना एक बड़ी रोमांटिक जगह, आसमान में बादल छाए हैं, नवजोत और हरदीप हाथों में हाथ डाल के बैठे हैं। ओए तूने क्या ये गे लव स्टोरी लिखी है? गे? सर इसमें गे क्या है, नवजोत लड़की है और हरदीप लड़का। अच्छा, मैं तो हमेशा से यही समझता था कि नवजोत आदमी का नाम होता है, नवजोत सिंह चिंटू। सर ऐसे करते हैं कि नाम चेंज कर देते हैं, हम करते हैं कि रजिंदर थे सुरिंदर हाथों में हाथ डाल के बैठे थे। अबे इससे तो वो पहले वाले नाम बेटर थे। यार तेरी ये स्टोरी में राहुल अंजलि ऐसे नाम नहीं हो सकते क्या? ला हो सकते हैं, होने को क्या, सर होने को तो आपका भी नाम हो सकता है, पर चक्कर ये है ना सर कि फिर वो पंजाबी में गाना कैसे गाएंगे? क्यों क्यों गाएंगे पंजाबी में, हम क्या यहाँ पंजाबी फिल्में बनाते हैं? नहीं नहीं गाएंगे गाएंगे ऐसे गाएंगे। हाँ। तेनू वेख्या तो ये जाना सोनिए, प्यार हुंदा है दीवाना सोनिए। गेट अप, तहो यहां से, चल निकल। सर पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं। गेट आउट। सर एक बारी आउट, लौट तो पड़ लेते सर। अबे दबाओ यहां से। गेट आउट। जैसे हमारी वाट लगाने का ठेका भगवान ने इसको ऊपर से दे के भेजा। ओ बाहर आके लड्डू तो खा लो। क्या तेरे को लॉटरी वॉटरी लगी है या लड्डू एक्सपायर हो गए हैं? अबे लड्डू खा रहे हो? नहीं जहर खा रहे हैं। तो भाई मुझे भी दे दो यार, तुम दोनों के बिना मैं क्या करूंगा जीके। भाई रिलैक्स, ये मेरे शादी टूटने के लड्डू हैं। तेरी शादी? हाँ मेरी शादी, वो पीजी ने लड़की देख रखी थी तभी तो मैं लुधियाना गया था। ओ यार मच्छी, अबे हमें तो लगा कि तू अपने से उम्र में छोटी लड़की को बेटी, बराबर वाली को बहन और बड़ी को माँ मानता है। और तो मैं यहाँ क्या हल्दी कूटने आया हूँ है? यार एक तो मेरी शादी टूट गई, ऊपर से तुम मेरी ले रहे हो। अच्छा ये बता शादी टूटी क्यों? वो यार कुछ नहीं, वो लड़की वाले देखने आए थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था कि इतने में उनको लगा कि लड़का लड़की को टाइम दे देना चाहिए, साले मुझे फंसा कर चले गए। लेकिन भाई अच्छा ही हुआ कि बात हो गई, उस लड़की को तो ऐसा पति चाहिए जो की तरह कमाए और चुप रहे, बस बोले कुछ ना। अब बताओ यार मैं बंदा हूँ यहाँ क्यों? भाई मच्छी तुझे कैसी लड़की चाहिए है? मुझे भाई मुझे तो ना ऐसी लड़की चाहिए जो चाहे कम पढ़ी लिखी हो चलेगी लेकिन सोनी होनी चाहिए यार। और भाई मैं ना वैसे भी अब इसलिए शादी करना चाहता हूँ क्योंकि अब तंग आ गया हूँ यार, ये खाना बना बना के, कपड़े धो धो के और ये घर का काम कर करके, अब बस यार। साले लेके जा अपने थके हुए लड्डू, जैसे घटिया लड्डू खिला रहा है ना वैसी लड़की मिलेगी तुझे शादी करने के लिए, चल जाके खिला उस डेढ़ पसली मकान मालिक को। साला स्ट्रगलिंग राइटर। हाँ तेरे तो ट्रक चलते हैं ना दिल्ली में, गरीब साला, एक तो साला तुम्हें लड्डू खिलाओ ऊपर से तुम मुझे सुना रहे हो हैं? और जाना यार मच्छी, बोर ना कर सुबह सुबह। हाँ तो जा रहा हूँ। गेट बंद करके जाइयो। चल 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 घुस 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 अंदर घुस 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 खींच 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 ये पकड़ ये पकड़ ये पकड़ घुस नीचे नीचे घुस पकड़ घुस नीचे घुस दो भी पाँच पकड़ नीचे से पकड़ शाबाश 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 पकड़ 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 क्या पड़ी है शाबाश 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 पलट 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 ये पटका ये हुई ना बात शाबाश शाबाश पकड़ 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 पलट 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 शाबाश शाबाश पकड़ 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 गुजर 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 पकड़ पकड़ पकड़।
गुरुजी शाबाश, क्या मेरा पट्टा है? वाह शेर का बच्चा, यो मेरा नाम जरूर ऊपर करके मानेगा, जरूर ऊपर करेगा रे। हाँ भाई तू कौन है, के चावे? अब वो गुरुजी, वो हमारे दूध वाले भैया ने बोला था कि हमको कमजोरी रहती है तो गुरुजी के पास जाओ, गुरुजी तुमको मजबूत बना देंगे। रे तो गुरुजी के पास के हरी पट्टी का डंडा है के जो तने मजबूत यूं ही बना देंगे हम? उसके लिए तो तने खुद वर्जिश करनी पड़ेगी। हरी पट्टी? अरे वो जो वो के है जो अंग्रेजी फिल्मों में डंडा लेके जादू सा करे, वही तो। छोड़ तू उसने, छोड़, तू अपने कपड़े उतार, वर्जिश के लिए तैयार है ना? कपड़े लगते उतार के इधर आ जा लाइन में। चलो रे सब लाइन में लगो, आ जाओ। मेरा नाम विक्रम गुज्जर है, मेरी छाती 46 इंच है। मेरा नाम लाला है, मैं दिन में 19 केले खाता हूँ और खाके सो जाता हूँ। मेरा नाम जतिन है और ये शोल्डर एकदम देसी है। अरे यू क्या कर रहा, ठीक से कर रहा है? तेरी, ओ भाई, ओ भाई क्या हो गया तुझे? अब तेरा रेप वेप तो नहीं हो गया? किसने की तेरी हालत? अबे नाम बता उसका, उसकी उसकी अकाड़े वाले गुरुजी ने उसकी कॉलोनी में ना तेरा जाना बंद करा दूंगा। भाई क्यों लेते ऐसे लंबे चौड़े लोगों से पंगे, क्यों? देख क्या हालत कर दी तेरी, अबे गठरी बना के चला गया तेरी। अरे यार वो दूध वाले ने बोला था कि गुरुजी कसरत कराएंगे तो मेरी कमजोरी दूर हो जाएगी, मैंने कसरत तो कर ली फिर अब लैट्रिन में भी नहीं बैठ पा रहा हूँ, धोने की तो बात दूर है। मैंने तुझे समझाया था ना, तू फिर वही बात कर रहा है। भाई वैसी वाली पिक्चरें देख, वैसी वाली देख, मेरी बात सुन। जिस तरह से राख में छुपी अंगार को हवा की जरूरत होती है ना, जिससे वो शोला बन जाता है, भाई तुझे भी वो हवा चाहिए। अबे इधर से हट जा। क्यों? हवा मिलने वाली है। अबे नाक के बाद जला दिए साले। अच्छा सुन, वो सीढ़ी ले आइयो कल, मैं दुकान बता दूंगा तुझे। आर्य मैडम जी, आपको हमारे पास भक्ति की चौकी की सारी सीढ़ियाँ मिल जाएंगी, अनुराधा पटवाल, अनूप जो लोटा, उदित नारायण जो बोलो तो। अरे मैडम ये वाली सीढ़ी देखिए ना, भक्ति के सारे गाने आपको मिल जाएंगे, एक बार आप बजा के देखिए। ये चौबे की दुकान की सीढ़ी है, आप भूल नहीं सकती मैडम, मैं सच बता रहा हूँ। हाँ जी भाई साहब क्या चाहिए आपको? वो मुझे सीढ़ी चाहिए थी। हाँ हाँ कौन सी सीढ़ी चाहिए बताइए, अभी निकाल के देता हूँ। वो मुझे वो होती है ना, अरे वो होती है ना यार, अरे यार हीरो हीरोइन बताओगे, विलन बताओगे, कुछ बताओगे तब तो सीडी निकालूंगा ना, कि वो होती है, वो होती है, कौन सी चाहिए? अरे यार वो होती है ना यार, अरे वो वाली बदतमीज। अरे मैडम आते ही तुमने एक अच्छा ग्राहक भगा दिया यहां से, चाहिए क्या यार तुम्हें, आए कहां से हो? वो मैं
गणपति बंगला 44 नंबर, वो मुझे सीडी। अरे अरे, वो 44 नंबर बंगले से आए हो? पुष्पेंद्र भैया क्या से? आप जानते हो उन्हें? अरे उन्हें कौन नहीं जानता, बहुत इज्जतदार आदमी है भाई। आप पुष्पेंद्र भैया के? जी, वो और मैं साथ ही रहते हैं। अरे भाई साहब, तो पहले क्यों नहीं बताया? अब समझा आपको कौन सी सीडी चाहिए। बड़े शौकीन तबीयत के लगते हो भाई साहब आप भी है। वो बस हालात से मजबूर हैं। अरे तो आप बताइए ना, कौन सी सीडी चाहिए? अंग्रेजी, यूरोपियन, अफ्रीकन, श्रीलंकन, कोरियन, चाइनीज, नेपाली, जो कहोगे हाजिर कर देंगे। आप ऐसी कोई स्पेसिफिक चॉइस तो नहीं है, पर मेरे को ना कोई ताज़ा माल चाहिए, एकदम एनर्जेटिक वाला, जिसको ना देखते ही सारी कमजोरी दूर हो जाए। अरे कमजोरी तो ऐसे गायब होगी भाई साहब कि रस्सी बांध के ट्रेन खींच लेना। हाँ भी मनोज, ये मेरा दोस्त है राघव, मैंने बताया था ना मेरे बचपन का फ्रेंड है, वो जो 10वीं में लड़की के चक्कर में 3 साल फेल हो गया था। अरे वो जो बहुत बढ़िया गिटार बजाता है, वो दोस्त है मेरा। भाई बंदे ने ना अपना रॉक बैंड बना लिया, रॉक बैंड, और आजकल दिल्ली में परफॉर्म कर रहा है। तो मैंने कहा यार दिल्ली आया तो भाई से नहीं मिलेगा है, तो मेरे लिए टाइम निकाल के आया स्पेशली। पर यार मुझे ना थोड़ा ऑफिस से अर्जेंट कॉल आ गया, 2 घंटे का काम है, 2 घंटे बाद आ जाता हूँ। तब तक तुम दोनों मिलो, बातें शाते करो, गप्पे शप्पे मारो, तेरा मन करे ना तो गाना सुन ले भाई से, गजल कुछ भी यार, बहुत बढ़िया गाता है, मतलब गले में सरस्वती बैठी हुई है। तो तुम थोड़ा चिल आउट करो, मजे करो, आता हूँ मैं, हैं? ठीक है भाई। आजा भाई आजा। अरे राघव भाई एक बात बताओ, ये टुनटुना बजाते कैसे हैं? पता है मैंने भी ना बचपन में ये गिटार सीखने की बड़ी कोशिश करी थी, मेरे मास्टर ने बोला कि अगर तू ताली बजाना भी सीख गया ना तो ऑडियंस बन जाना, नहीं तो उस लायक भी नहीं है तू। देख भाई, शो में स्पीकर्स को इतना लाउड करके रखो, इतना लाउड करके रखो कि किसी को पता ही ना हो क्या बज रहा है, और इंग्लिश में इतनी ज़ोर ज़ोर से गालियाँ दो माइक पर, बस बन गया रॉक बैंड। पर आजकल लोगों को यही तो पसंद है, क्या चाहिए लोगों को? लोग खुश, क्राउड पागल होता है, पागल बावड़ी होती पब्लिक, और लड़कियां तो इसमें खुश रहती हैं। तो फिर तो आपकी गर्लफ्रेंड भी होगी? गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं है भाई, 5-6 दोस्त हैं अपनी, बस जो कहते हैं वो करती रहती है, और एक दो तो विदेशी भी हैं। साला यहाँ सूखा पड़ा हुआ है और यहाँ मिल चल रही है, 5-6 संभल जाती हैं। संभल जाती हैं? अरे एनर्जी चाहिए एनर्जी, संभालने को तो 10 भी संभाल रखी हैं। 10? सही बताओ। मतलब इतनी एनर्जी, हाई एनर्जी में नाचना गाना, ये लड़कियाँ, ये गिटार बजाना, मतलब इतनी एनर्जी कहाँ से लाते हो, मतलब कैसे कर लेते हो इतना सब? इसका एक राज है। गोली? ये कोई ऐसी वैसी गोली नहीं है, इसको खाते ही अंदर की सारी एनर्जी बाहर आ जाती है। क्या बात कर रहे हो, तूने ली है कभी? नहीं नहीं, मेरा ना तजुर्बा गोलियों के साथ कुछ अच्छा नहीं है। भाई ये कोई ऐसी वैसी गोली नहीं है, इसे खाते ही तो लोगों की दुनिया बदल जाती है, और हर चीज में परफॉर्मेंस इनहेंस हो जाती है। भैंस की आँख क्या हो जाती है? परफॉर्मेंस एनहेंस हो जाती है, बोले तो 2G का 3G, डबल स्पीड, डबल पावर, डबल स्टेमिना। ऐसा होता है? हाँ लेके देख।
क्या हो गया भाई? अबे कहाँ था पूरी रात? और ठीक तो है तू? चुंधिया क्यों रहा है एकदम? कुछ पूछ रहा हूँ, कहाँ था पूरी रात? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। याद नहीं है भाई? तू कहीं भांग धतूरा तो नहीं खाने लग गया? सच बता। अच्छा सुन, ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ मैं, चाय रखी किचन में, पी लेना ठीक है? चल बाय। कितने पैसे देने हैं भाई के? ₹5 लाख भाई। वापिस देने हैं? हाँ। अबे तो कब देगा? कब देगा? कब देगा? कितनी मोहलत चाहिए तुझे? दे दूंगा भाई, पैसे तो देने ही हैं भाई। मना तो तू कर ही नहीं सकता। हे, इसके टुंडू ना ले चलो। भाई भाई मेरा गिटार कहीं लेके मत जाओ प्लीज भाई। भाई प्लीज। या तो तू पैसा ले आ, या भाई का कोई काम कर दे और अपना टुंडू ना लेके जा, समझा? एक हफ्ते की मोहलत है, वरना ये तार है ना, इसी से लटका दूंगा। नहीं भाई, नहीं भाई। चलो रे। मेरा गिटार। हेलो। हाय बेबी। जान कहाँ हो? इतने दिन से ना कोई फोन ना मैसेज, कम से कम एक मैसेज तो कर सकती थी। और पापा कैसे हैं? अरे वो हॉस्पिटल में इतना टाइम लग गया कि बस मुझे वहाँ तुम्हें कॉल करने का टाइम ही नहीं मिला। पापा जैसे ही डिस्चार्ज हुए ना, मैं भागी चली आई तुम्हारे पास। सच्ची? अब मेरी बारी, अब मेरी बारी। क्या? नहीं कुछ नहीं। अच्छा ये बताओ, मिल कब रही हो? अरे तुम अभी घर पे हो तो मैं अभी आ जाती हूँ। हाँ नहीं 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 नहीं, तुम ऐसा करो, 2 घंटे बाद आ जाओ। ओके एज यू से बेबी, बाय। ओके बाय। मेरे पास और गोली है नहीं, और वैसे ही मैं कौन सा बनाता थोड़ी हूँ, गोली खरीदनी पड़ती है। उस दिन मेरे पास थी तो शेयर करना तो बनता है ना। अरे यार पर मुझे ना अर्जेंट चाहिए। क्यों भाई, लड़की का मामला है क्या? हाँ। क्या बात, किससे बदला लेने जा रहा है भाई? बावड़ा हो गया क्या? अरे यार तू वो सब छोड़, तू ये बता गोली कहाँ मिलेगी? एक बंदा है जिसके पास ये गोली मिलेगी, जिससे मैं खुद लेता हूँ, मगर पैसा लगेगा। यार मेरे पास तो 80 रुपए ही हैं। अबे इतने में तो MDH की देगी मिर्च नहीं आएगी, और तुझे गोली चाहिए? या तो तू पैसा ले आ, या भाई का कोई काम कर दे और अपना टुंटू ना लेके जा, समझा? एक हफ्ते की मोहलत है। चल मैं तेरा कुछ जुगाड़ कराता हूँ। लेकिन जाना कहाँ होगा? मकसूद भाई के पास। बेबी 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 बेबी।
छलक गए मुझको नचा के रंगीन पानी में महफिल डुबा के जहाँ छलक गए मुझको नचेरी बेबी मैं हूँ थोड़ी क्रेजी मैं हूँ शरीफों से लड़ती रहती मैं हूँ बोल कर चुप किसी कोई कानों में बोल कर चुप किसी कोई कानों में तेरा जलवा छपे है पेपर के कानों में न्यूज पेपर के हाँ न्यूज पेपर के कानों में न्यूज पेपर के कानों में हाँ न्यूज पेपर के कानों में न्यूज पेपर के कानों में सीने में सुन धड़कन मेरी रख हाथ सीने में सुन धड़कन मेरी लग झटका मुझे से आलम में लग झटका मुझे से आलम में बड़ी खबर है जो तेरी तना न्यूज पेपर के कानम में न्यूज पेपर के हाँ न्यूज पेपर के कानम में मकसूद भाई वो मैंने आपसे बात की थी ना ये मनोज है मेरे छोटे भाई जैसा है इसको ना गोलियां चाहिए पैसे की चिंता मत करो पैसे आप मेरे खाते में लिख देना अबे हमने अनाथ आश्रम नहीं खोल रखा और ना ही कोई धर्मशाला जहां कोई भी लुच्चा लफाड़ी पकड़ के दरवाजे पे ले आता है अबे धंधा करने बैठे हैं यहां पे इस समय वैसे भी इतना रिस्क है ऊपर से तू पकड़ लाता है नए नए लड़के और वो भी एकदम कड़के भाई भाई वो आर्टिस्ट नहीं आया भाई तो आज आज फिल्म नहीं बन सकती भाई सालों नेपाल से रिक्वायरमेंट आई हुई है क्लाइंट से पेमेंट भी ले लिया है हमने अब किसी को रास्ते से उठा के उसकी फिल्म पूरी उतारो पर आज रात तक पूरी फिल्म कंप्लीट हो जानी चाहिए बात आई समझ में ठीक है ठीक है भाई भाई सामने देखो ना जरा नहीं 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 बेटा फोकट में तो जहर भी नहीं मिलता तुझे गोलियां चाहिए ना और हमें आर्टिस्ट राघव ने बताया तेरी कंडीशन के बारे में हमारी गोलियों का टेस्ट भी हो जाएगा और फिल्म बिकनी है नेपाल में किसी को पता भी नहीं चलेगा और वैसे भी तू हमें मना तो कर ही नहीं सकता अरे 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 भैया अरे राघव चल निकाल गाड़ी छोड़ निकाल जल्दी कर जल्दी नाटक नहीं अरे भैया अब ये कौन निकलेगा बे हां चल निकाल अरे भैया निकालना क्या ड्रामा कर रहा है चल जल्दी कर ना चल शुरू कर चल चल आ जा चल तेरे को टॉप का हीरो बनाते हैं चल शुरू कर Thank you.
सीडी आई है, आई है, सीडी आई है। अरे बड़े दिनों के बाद अपने कमरे में आज नीली सी सीडी आई है। अबे क्या है, क्यों चिल्ला रहा है? नहीं यार, ये मैं नहीं हूँ। देख साले देख, मुझे पढ़ा करते था ना, अब अपनी पिक्चर देख ले तू, देख। ओ नहीं यार, ये मैं नहीं हूँ, ये कोई मेरा हमशक्ल है। बेटा ये कांड ना तूने क्या है, तूने अब कह रहे तेरा हमशक्ल है। ओ नहीं यार, तेरे को क्या लगता है मैं ये सब काम करूंगा? नहीं भाई, वो तो मैं होना तेरी जगह। अबे बेवकूफ, किसी और को बनाना, मतलब ये सही है कि नौकरी नहीं है, काम नहीं है, तो ये गंदी हरकतें शुरू कर दो। मतलब पैसा का पैसा, मौज की मौज। अबे कितने टेक लिए तूने इसके लिए है? अयो, ये तो नेपाल मार्केट के लिए थी। है? हाँ भाई, क्या विचार किया आगे का है? आगे का मतलब? मतलब भाई कुछ आगे नौकरी वगैरह करनी है या फिर यही करियर परस्यू करना है? साले मेरी क्या शक्ल पे लिखा है मैं ये सब काम करता हूँ? एक तो मैं पहले से दुखी था, ऊपर से नई मुसीबत और आ गई। ओ, कमर फैल गई भाई। क्या बात है। अबे सुने, तेरी फिल्म की सीडी आई है? क्या बात है भाई, तू तो स्टार बन गया। अबे तेरे को कैसे पता चला? अबे मुझे नहीं, पूरे मल्ले को पता है। अबे शाहरुख की एक्टिंग बंद कर, ये बता तुझे रोल कैसे मिला? अबे किस किस को पता है? है? पता तो किसी को नहीं था, वो तो मुझे वो छज्जू दूध वाला ना, वो मिला था। वो कह रहा था कि कल रात को सीडी लाया था, उसमें से निकला तू? भाई बड़ा मुस्कुरा रहा था, पता है दिल से खुश था वो तेरे को देख के टीवी पे। अबे दिल से नहीं, कहीं और से ही खुश था वो। भाई मुझे तो रास्ते में जो जो मिला मैं तो सबको बता दिया कि अपना भाई स्टार बन गया। अब तू देखियो, एक एक बंदा ना तेरी सीडी खरीद के देखेगा। अबे ये तो पूरा धारावाहिक बना देगा तेरी तो। भाई मच्छी बात ऐसी है, अब मैं समझा वो छज्जू दूध वाला इतना मुस्कुरा क्यों रहा था। अबे तेरे को इतनी सी बात समझ में नहीं आई? मेरी ना एक गर्लफ्रेंड थी, एक दिन मैं वो घर पे अकेला था तो मुझसे मिलने आ गई। सब कुछ मजे में चल रहा था कि एक दिन उसने मुझसे बोला कि मुझे चॉकलेट फ्लेवर बहुत पसंद है। मैं जाके चॉकलेट पेस्ट्री ले आया, आते ही दो थप्पड़ और अगले दिन ब्रेकअप। मुझे थोड़ी ना पता था कि कौन से चॉकलेट फ्लेवर की बात कर रही है। अबे तो सब का इससे क्या रिलेशन है? ओ भाई अगर मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की इतनी सी बात नहीं समझ आई तो तेरी ये कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी क्या घंटा समझूंगा। अबे यार भाई मेरी बात सुन, ऐसा करते हैं वो कौन है तेरा, वो मकसूद भाई, उसको फोन करते हैं, हाथ पैर जोड़ेंगे, बोलेंगे भाई साहब सीढ़ी वापस कर दो तो हो जाएगा कुछ यार। हाँ और वो दे देगा ना, बाप लगता है ना तेरा वो, इस बार हम तीनों की पिक्चर बना देगा वो डेली वाली। तीनों? मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ, तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। साले गंदी हरकतें खुद करते हो, मुझे बोलते हो। अच्छा भाई हैं, जब आया था ना तो यार भाई स्टार बन गया, भाई हीरो बन गया हैं, और जब सारा स्क्रीन पे सुना तो भागने की बात कर रहा है। भाई एक और आइडिया है, चौबे उससे जाके मिलते हैं। वो आज तो मंगलवार है। अबे तो मैंने कौन सा उसके साथ चिकन खाना है? अबे मार्केट बंद रहती है आज। ओ भाई गलती हो गई भाई, माफ कर दो भाई। मेरे सारे सीक्रेट थे उस सीडी में, ऑल माय टॉप सीक्रेट इन दैट सीडी, और तुम कह रहे हो कि वो गायब हो गई। एंड योर करेज, हिम्मत, यू आर स्टिल वाइब्रेटिंग इन माय वरांडा। भाई मैंने आपको बताया ना, वो नई फिल्म जब राइट कर रहे थे तो गलती से आपकी सीडी पे राइट हो गई भाई। और व्हाट? और वो सीडी गलती से सप्लाई हो गई भाई। अबे भाई, अगर शाम तक मेरी सीडी नहीं मिली ना तो समझता है जो सीडी होती है ना उसके बीच में, मतलब सेंटर में होल होता है, होल, समझ गया?
क्या? समझ गए भाई कि आप हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अबे ये मैंने कब कहा? ये तो मैंने कहा ही नहीं, कैसे समझ गया? ये तो बोला ही नहीं। There is lot of communication gap between you people and me. चल चल तब हो यहां से जाओ। गो गो गो। हाँ भाई, ओ कहाँ हो सालो? ना रहा हूँ साले, नाश्ता रख के हाथ मत लगाइयो वरना पिछवाड़ा तोड़ दूंगा। हैं? ओए होए, ये तो वही सीढ़ी लग रही है। मैं भी तो देखूं ऐसी कैसी फिल्म है। साला ऊपर ऊपर से दुखी लग रहा है। मजे तो बहुत लिए होंगे साले ने। भाई टेबल पर से तेरे 10 रुपए का नोट उठाया। चल मोहम्मद लेके जा, वो मेरा आखिरी 10 का नोट है, मुझे इंटरव्यू पे जाना है। ओए ऐसे कामों का इंटरव्यू थोड़ी ना होता है। ये बात प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित करते हुए कही। और अब एक जरूरी सूचना, दिल्ली की मुख्यमंत्री ने कहा है कि सड़क किनारे पेशाब करते हुए पाए जाने वाले व्यक्ति पर तुरंत 1,000 रुपए का जुर्माना और जुर्माना न देने की स्थिति में 7 दिन की कैद भी हो सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उन्हें ये आइडिया मलेशियन कॉमनवेल्थ गेम के बाद आया है और वहाँ पर ये कानून लागू है। इससे न सिर्फ शहर की स्वच्छता बनी रहेगी बल्कि स्टेट गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी आएगी। सरकार ने इस संदर्भ में पुलिस से सहायता मांगी है और कहा है कि ऐसे अभियुक्तों को तुरंत गिरफ्तार करें और उनके चालान करें। देखा तूने? अब तो पुलिस वालों को मुत्ते हुओं को भी पकड़ना पड़ेगा। जनाब थूकने पर तो पहले से ही जुर्माना है, अब तो मुझे लग रहा है कुछ टाइम बाद हगने पर भी टैक्स देना पड़ेगा। दिन में 2 बार टट्टी जाने पर 10 रुपए रोज सरकार को जमा कराओ और ऐसा रोज करने पर बादना अलाउड होगा। सॉरी जनाब, वो ऐसा है ना कि मैं अपनी हरी भरी कमाई यूं टट्टी पेशाब में जाते हुए नहीं देख सकता, इसलिए। जैन सर, क्या हो रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं सर। तुम अंदर आके मिलो मेरे से। जी सर। दादर, अंधेरी, मलाड, घाटकोपर और बिठोली में जलभराव की खबरें हैं। डीएमसी के आपदा प्रबंधन सेल के अनुसार शहरी इलाकों में। यस सर। भाई वो खुराना वाले केस का क्या हुआ? सर इंक्वायरी चल रही है, 2 गवाह तो सर पलट गए, और सर 2 गवाह तो मैंने डंडा बजा बजा करके सर सीधे किए थे, लेकिन सर अदालत में वो बोला है कि पुलिस वालों ने जबरदस्ती बयान बदलवाए सर। और वो विधवा वाला केस जिसमें उसने अपने मकान मालिक पे रेप का केस ठोका हुआ है? सर वो मकान मालिक बिल्कुल निर्दोष है। वो नकली विधवा एक नंबर की रान, मेरा मतलब सर बहुत चालू औरत है सर, 10-10 आदमियों के साथ उसके चक्कर चल रहे हैं, मैंने पूरी पूछताछ की है। देख भाई उकम सिंह, तेरा फीडबैक भी बहुत अच्छा नहीं आ रहा और ऊपर से प्रेशर भी है। मुझे नहीं लगता कि ये खुराना वाला केस तू हैंडल कर सकता है। मैं एक केस और तेरे को दे सकता हूं। सर ये फाइल पढ़ो और इस केस को सॉल्व करो। यस सर। और ध्यान रहे, अगर ये केस सॉल्व नहीं हुआ तो बात तुम्हारी नौकरी पे आ सकती है। जी मैं पूरी कोशिश करूंगा जनाब। जाओ। जैन सर। भाई इसको पढ़ और बता कि क्या केस है। साहब जी कुछ प्रोनोग्राफी। साहब जी ये प्रोनोग्राफी क्या होती है? ज्योग्राफी तो सुनी थी। ओ ये केस है। अरे तूने वो बचपन में गंदी वंदी पिक्चर नहीं देखी क्या? साहब जी वो तो मैं अब भी देखता हूँ। अरे तो इसी तो कहते हैं पोर्नोग्राफी। अच्छा साहब जी, किसी ने शिकायत की है कि उसके पड़ोस में कोई पोर्न स्टार रहता है जिसकी सीडी मार्केट में धड़ल्ले से बिक रही है। एक बात बताओ, हमारे देश में प्रोनोग्राफी गैरकानूनी है क्या? भाई ऐसा है, अब चाहे कानूनी हो या गैरकानूनी, इस पोर्न स्टार से तो मिलना ही पड़ेगा।
वरना ये हमारी नौकरी खा जाएगा। दिल्ली शहर का करोड़ों का इलाका घुस गई है। पुरानी दिल्ली के एक महत्वपूर्ण इलाकों में से ऐसी घटना सामने आना एक संगीन बात है। यहाँ के आस पड़ोसियों में से बात करने से पता चला है कि मनोज नाम का ये शख्स बेरोजगार है। हो सकता है कि बदहाली से तंग आकर उन्होंने ऐसा कदम उठाया। जी हाँ, आज हम उसी मनोज के घर के सामने खड़े हैं जिसकी अश्लील सीडी बाजार में धड़ल्ले से बिक रही है। बस कुछ ही देर और हम आपको मिलवाएंगे मनोज से, उसी की कहानी उसी की जुबानी। जैसा कि हमने बताया, ये वही शख्स है जिनके साथ जबरदस्ती हुई। जबरन एक पोर्नोग्राफी वाले गिरोह ने इनकी फिल्म बना डाली। एक्चुअली में क्या हुआ था इनके साथ, आज हम देखेंगे हमारे मैटनी शो में इंडिया का पहला पॉर्न स्टार। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमारा देश किस तरफ जा रहा है, क्या हम वेस्टर्न सिविलाइजेशन के रंग में रंगते जा रहे हैं या फिर ये कमाई हम जानना ये चाहते हैं कि आखिर क्यों हम मेहनत करना छोड़कर गलत रास्तों पर चल देते हैं। उन्हें ऐसा कदम उठाना था और अगर मजबूरी नहीं थी हमारे देश में गैर कानूनी और इसके लिए कानून में कड़ा प्रावधान से घुस गई है। अरे यार, हमारे चैनल में ढूंढ निकाला। अरे ये तो वही मनोज जी है जिनको मैंने सीडी में देखा था। सर एक सवाल, सर सर प्लीज, सर एक बार नीचे आ जाइए, सर एक मिनट नीचे आ जाइए प्लीज, सर एक सवाल पूछना है, सर 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 एक सवाल, सर एक सवाल, एक सवाल पूछना है, सर प्लीज नीचे आ जाइए, सर एक सवाल, सर एक सवाल, हेलो सर 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 एक वो सीडी किसको दिया है? भैया यहाँ तो 50 सीडी रोज लोग लेने आते हैं, अब किसकी सीडी कौन के पास चली गई क्या बताएं? साले जब सीडी बनी ही 10 तो तुझे पता नहीं होगा कौन लेके गया है। भैया वो तो, अरे चौबे भैया क्या हाल है? भैया आप जो सीडी मांग रहे थे ना, बोल, उसकी जो पहली कॉपी थी ना वो ये आदमी भी लेकर गया था। उसको ले लो, पकड़ो उसको, अबे पकड़ो, पकड़ो साले को, उसको पकड़ो पकड़ो। अरे 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 भाई, साहब जी यहाँ पर तो ताला लग रहा है। अच्छा हुआ तूने बता दिया, मैं तो गैस ही नहीं कर पा रहा था। इधर इधर इधर, ये मनोज नाम का आदमी यहीं रहता है जी? वो हाँ जी रहता तो यहीं है, पर वो भी है नहीं जी, मैं बता दूंगा उसे। इधर इधर इधर, ये सीढ़ी कैसी है? ये सीढ़ी, ये तो जी वैसे ऊपर नीचे जाने के लिए है जी, यहाँ लगा लो वहाँ लगा लो फिर मजे से ऊपर नीचे करो, वैसे तो हमारे पास जीना भी है जी। अरे ओ शकल, मेरे माथे पे क्या बेवकूफ लिखा हुआ है? अबे मैं इस सीढ़ी की नहीं, इस सीढ़ी की बात कर रहा हूँ जो तेरे हाथ में है। इधर दिखा इसको, इधर दिखा। ये तो जी क्या है इसमें? भक्ति गीत है जी, भक्ति गीत। साहब जी मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, क्योंकि इसकी बातें कुछ और कह रही है और इसकी शक्ल कुछ और कह रही है। जरा हम भी तो देखें ऐसा क्या है इसमें, इधर देखो। ये तो जी कुछ, पकड़ इसको, पकड़ 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 इसको, पकड़। इंक इंक दो आटर साला के भाई, पूरा खंबा लंबा क्वार्टर साला के भाई, इंक इंक दो आटर साला के भाई, पूरा खंबा लंबा क्वार्टर साला के भाई, सितार का असुर असुर साला के भैये, पंटाधार किस्मत बैंजो बैंजो सुनाई में आए, भाग सकता भाई। मेरे पीछे लोग पड़े,
अबे चल तेरे 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 पीछे लोग खड़े हैं, तेरे पीछे लोग खड़े हैं। अबे मार क्यों रहा है? चले मारू ना तो क्या करूं, ये मीडिया वालों को किसने बताया? मीडिया? भाई मैंने नहीं बताया कसम से। अबे वो छोड़, मेरे पीछे काले पीले से लोग पड़े हैं। सुन तेरे को कलेश हो गया किसी के साथ? अबे किसकी लड़की छेड़ के भागा है तू? अरे भाई ये तो उसी का ही साथी है, पकड़ लो सालों को। भाई भाई भाग ले यहाँ से, भाग 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 भाग। अबे तू क्या रोड पे मिल्खा सिंह बना हुआ है? साले तेरे को तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तू ही बुला के लाया ना उन मीडिया वालों को। मैंने किसी को नहीं बुलाया। तो साले उनको क्या सपना आया? और ये तेरे पीछे पुलिस क्यों पड़ी है? सच सच बता क्या करके भागा है तू? क्या करके भागा है? हां भाई दौड़ कैसे रहे हो? अरे सर दौड़ना सेहत के लिए अच्छा होता है ना, इसीलिए। दिन में 12 बजे और वो भी ये कुर्ते पजामे में, कौन सी दौड़ लग रही है भाई, जरा हमें भी बताओ। वो क्या है कि ना सर, जब भी भाग लो अच्छा है, सेहत भी बने रहती है और प्रैक्टिस भी हो जाती है। अबे साले तेरे से पूछा मैंने और तू आंख फाड़ फाड़ के क्या देख रहा है? पकड़ उसको और रुको। अबे भाग। और मैंने कुछ करके भागा? वो पुलिस तेरे रूम पे थी, मैं तो ये सीढ़ी वापस लेने आया था। वो इंस्पेक्टर मिला, वो मुझसे पूछने लग गया सीढ़ी के बारे में, मैं घबरा गया और भाग गया। भाई मच्छी तेरे पास तो फिर भी कहानी है। अबे मैं तो रस्ते पे जा रहा था गाना गाता हुआ, उतने वो सीडी वाले चौबे ने बोला कि ये देखो ये वो लड़का जिसके पास सीडी थी। अबे यार ये बोलने की तेरे, और भाई वो गुंडे मेरे पीछे कुत्ते की तरह पड़ गए। ये चौबे ने तेरे पीछे गुंडे क्यों छोड़े, उससे तो तेरी अच्छी पड़ती है। और ये पुलिस क्यों सीडी ढूंढ रही है? अबे पूछते हैं उससे जाके। पर सीडी है कहाँ भाई? ये रही मेरे पास है, और कहाँ? साले ये सीडी मेरे को दे, साले हमसे बिना पूछे हमारा सामान ना लिया कर। चोर कहीं का? अगर अभी घर गए ना तो कोई ना कोई मुसीबत और हो जाएगी। मैं तो कहता हूँ रात को चलते हैं घर। हाँ, और तेरे बाप के पास तो बंगला है ना, जो रात तक वहाँ टाइम पास मारते हैं, है? अब कैसे जाएंगे यार, गली में तो ठुल्ले घूम रहे हैं। भाई मनोज क्या करें? अबे मैं क्या बताऊँ क्या करें, कुछ और जुगाड़ लगाते हैं। तुम कहो तो हम छोड़ दें। अबे किस किस को पकड़ लाया? भाई हीरो तू दोबारा कैसे आ गया, फिर से फिल्म बनवानी है? नहीं नहीं भाई नहीं। भाई ये तीनों साथ में लटक रहे थे, ऊपर नीचे रहते हैं, और ये ना ये बीच वाला, ये जो शक्ल से ही छिछोरा लगता है, हम इसी के पीछे भाग रहे थे जब वो वहाँ पे पुलिस को ले आया। मैं पुलिस लाया नहीं था, वो मेरे पीछे पड़ी थी। क्या बोला? पुलिस तेरे पीछे पड़ी थी? सीरियल किलर है ना तू, तेरे पीछे यहाँ इतने सारे वांटेड बैठे हैं, उनके पीछे नहीं पड़ी थी? है शराफत से सीडी निकालो, किसके पास है सीडी निकालो। भाई वो सीडी यही छजोरा ले गया था चौबे की दुकान से। निकाल बे सीडी। तो वो क्या? मच्छी के पास है। मच्छी? कौन मच्छी? ओए निकाल। ये लो जी ये रही आपकी सीडी। हमने बिल्कुल भी छुआ छूत नहीं करी, एकदम ताजी है जी वैसे की वैसी। प्लीज हमें जाने दो। क्या है ना जी, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई। साले हम तो यहाँ 3 तलाक लेके बैठे हैं ना। शादी? चलो ठीक है, सीडी आ गई हमारे पास। वेरी गुड वेरी गुड। अब इनकी आंखों में पट्टी बांधो और दूर छोड़ाओ इनको। दूर? कितना दूर? अरे जहां से आया वहीं पे। सर लेकिन आंखों में पट्टी बांधने की क्या जरूरत है, यहाँ का एड्रेस तो हमें पता है ना।
शौला कुआं से फ्लाईओवर पकड़ा, फिर नारायणा मोतीबाग और स्ट्रेट जाके जो रजौरी गार्डन का फ्लाईओवर है उसके नीचे से अपना जहांगीरपुरी पे तो है आपका अड्डा। और सर मैंने तो यहाँ पे आते वक्त आपका गाड़ी का नंबर प्लेट भी पढ़ लिया, DL4CG6491 वही है ना? नंबर भी पढ़ लिया? अरे हरामजादो, हमेशा मेरी नाक कटवाने में लगे रहते हो, इतनी मिनी अक्कल तुम लोगों को के ये बाप लगते हैं जो बगैर पट्टी बांधे इनको यहाँ तक ले आए हो। साले अड्डा तक देख लिया इन्होंने, मेरा पारेसी का सीडी का अड्डा बंद करवाओगे? उल्लू के पट्टो, अब इनकी आंखों में पट्टी बांधो और दूर छोड़ के आओ, जाओ। अरे मौला की करा है नादा, अल्लाह उफ दुखी हो गया इनको पालते पालते। भाई वैसे मैं लग कैसे रहूं? हैं? लग कैसा रहूं? साले फैंसीनेस कॉम्पिटिशन में आया क्या? लग कैसा रहूं? भाई वो क्या है ना कि मैंने कभी अपने आप को पट्टी बंधे नहीं देखा। तो साले हम क्या स्पाइडरमैन है जो हमें पट्टी के आर पार दिखाई देता है? स्पाइडरमैन? कहाँ हो तुम? तुमसे मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है। अभी? अरे भाई ने मुझे कुछ काम दिए हैं, चलो मैं कुछ एक्सक्यूज बनाता हूँ। आज तो मिलना है, बहुत दिन हो गए। हाय मेरी जान। चले भाई उन लोग को छोड़ने, गाड़ी तैयार है। भाई ने कुछ अर्जेंट काम दिया है, तू चल मैं आ रहा हूँ। ठीक है भाई। ठीक है। ओए सुन, भाई ने बोला इनको ठिकाने लगाने का है। अच्छा चल तू गाड़ी चला। चल ठीक है। और सुन, आज का लीडर मैं हूँ क्योंकि मेरे पास गन है। तू कैसे लीडर हो सकता है? अबे भाई ने क्या बोला था, जिसके हाथ में गन होती है वही लीडर होता है, समझा क्या? इसीलिए आज का लीडर मैं हूँ। अबे झिंगूर, तू लीडर बनेगा तो गैंग चल लिया, लीडर ऐसे होते हैं देख, समझा? अबे ओ फूले हुए सूखे करेले, तेरा जूस निकाल के पी जाऊंगा मैं, समझा क्या? ज्यादा ड्रामा मत कर, आज गन मेरे हाथ में इसलिए लीडर मैं हूँ, चल निकल। तू खाएगा लीडर है, छोड़ गन, छोड़। तू छोड़ ना, चल ना, चल नहीं मानेगा। अच्छा तो ये ले, अबे क्या हुआ? अबे रस्सी खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, चुप रहे। अबे तो रस्सी खोल रहा तो रस्सी खोलना, मेरी क्यों बुझा रहा है? अबे रुक जा दो मिनट। खुली क्या? शाबाश 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 शाबाश, मेरी भी खोलते जल्दी, चलो चलो जल्दी जल्दी जल्दी। भाई निकलते हैं, छोड़ इसको यहाँ पे। तुम्हारा दिमाग खराब है? ओए भाई छोड़ जाने दे इसको। ओए तू प्लीज यार, साले मैं बनाऊंगा तुझे लीडर। अबे चल ना, लीडर मैं हूँ साले। प्रॉमिस कर, आगे से कभी मेरे वॉलेट से पैसे निकालेगा? भाई कभी भी नहीं यार, कभी बिना पूछे हमारे घर में घुस के हमारा खाना खाएगा? नहीं भाई अकेले बनाऊंगा। कभी रूम में ताकाशाकी करेगा? नहीं कभी भी नहीं। ले चलते हैं। अरे ये हुआ ना, तुम मेरे भाई हो। आजा आजा आराम। छोड़ ना मेरे को, क्या अबे तेरी तो मैं अबे वो 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 क्या वो? अबे मुझे छोड़, वो देखो भाग गए, उन्हें पकड़ कर दी। बढ़िया है ना? अरे भैया टिश्यू पेपर है क्या? टिश्यू? टिश्यू क्या? अबे
अखबार तो इसे अखबार, ये अंग्रेजी की बता देना साला। क्या भैया, हाइजीन का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते आप लोग। मेरा रुमाल कहाँ है? अब ये सीढ़ी कौन सी है? ओ क्या हो गया भाई, मिर्ची लग गई। अबे तो सीढ़ी तो है, तू तो ऐसे चिल्ला रहा है जैसे कि ये असली सीढ़ी है और मकसूद को कोई और सीढ़ी दे आए। अब तो घर भी नहीं जा सकते, मकसूद के आदमी हमें कुत्तों की तरह ढूंढ रहे होंगे। भाई मैं तो कह रहा हूँ सीढ़ी वापस कर देते हैं। सीढ़ी वापस कर देते हैं? तुझे शौक होगा पागल कुत्ते के दांत गिनने का? भाई काम करते हैं, या तो सीढ़ी फेंक देते हैं या तोड़ देते हैं। सीढ़ी फेंक देते हैं, और जब वो तेरा बाप आएगा सीढ़ी लेने तो उसको बोल देंगे हमारे पास तो सीढ़ी है नहीं, तुम जाके अल्ताफ रजा के गानों पे तात थैया करो। अबे सीढ़ी से गला काट देगा वो हम तीनों का। भाई फिर तो बस एक ही आदमी है। हमारा नाम सुसु पांडे है, सुशोभित लाल सूर्यकांत पांडे। और सुसु पांडे हमारे सामने तो बड़े बड़े फन्ने खाना टिके, ये मकसूद का चीज है। हम तो मनवाली उस वक्त से कर रहे हैं जब डॉलर 10 रुपया हुआ करता था। मैं क्या बोल रहा हूं, तुम तीनों चुपचाप अंडरग्राउंड हो जाओ, फिर मैं मामला निपटा देता हूं। हाँ अब सुसु जी सर पे छत नहीं और आप कह रहे हो अंडरग्राउंड हो जाओ, कहीं उन लोगों ने हमें पकड़ लिया तो रोड पे हमें अंडरग्राउंड दफन कर देंगे वो लोग। अरे यार जब तू अंडरग्राउंड होगा तो छत तो ऑटोमेटिकली आ जाएगी ना। सो व्हाट? अबे 100 वाट का बल्ब, सलवार और तलवार में एक चीज कॉमन होती है। वो क्या? जब दोनों खुलती है ना तब सामने वाले की फट लेती है। सलवार तो तू खोल के आया है। अरे खोल के क्या आया, तूने तो पूरी फिल्म बना के आया है। अब जब मकसूद की तलवार खुलेगी तो कट एट साइड हो जाएगा तुम तीनों का, बीच चौराहे पे काट के डाल देगा और कह देगा कि आतंकवादी घुस आए थे। और शक्ल तो माशाल्लाह, खुदा ने तो सोच के बनाई है तुम लोगों को। मामू खान साहब का नौकर आया है, कह रहा है खान साहब की दवाई दे दो। बोल अभी आता हूं। ये कौन? अरे मेरी बहन का लौंडा। कौन था? मतलब कि मेरी बहन का लड़का मुझे मामा कहता है। समझ के अब ये बताओ कि हम का अंडरग्राउंड हो जाए। मैं तुम्हें एक एड्रेस देता हूं, उसका नाम है जिगर हिंगू। हिंगू? हाँ, उसके पास तुम तीनों चले जाना, वो तुम तीनों को अंडरग्राउंड कर देगा। और मैं क्या बोल रहा हूं, तुम तीनों चाहो तो ये सीढ़ी मेरे पास छोड़ सकते हो, मैं अभी आता हूं। चल बे। भाई मैं तो कह रहा हूं सीढ़ी दे देते हैं यार, अरे अपने सर से मुसीबत उतरेगी। अबे पागल हो गया है, यही तो एक चीज है जिसकी वजह से अभी तक हम जिंदा हैं, वरना वो मकसूद हमें किसी भी चौराहे पे काट देगा, ये हम किसी को नहीं देंगे। बड़ा प्यारा रहा अपने कला के नमूने पे, ट्यूशन देगा बाद में? बेटा मुर्दों की ना पौन नहीं बना करती, हमने कहा था पिक्चर कर। अरे यार भाई मुझे बड़ी प्यास लग रही है, मैं पानी पी के आता हूँ। भूख तो मेरे को भी बहुत लग रही है। साले हम तो चाबी से चलते हैं ना यहाँ पे। अब मौका आया है, जो मकसूद ने मेरा नुकसान किया था 10 साल पहले उससे बदला लेने का। अरे भगवान ने तो इन लड़कों को मेरे पास इसलिए भेजा है कि जा अपना बदला पूरा कर। इस सीडी का तो मकसूद मुंह मांगा पैसा देगा। आ चल इन्हें शीशे में उतारता हूँ। दिन ऐसा किसी ने। अबे अबे तीनों कहाँ चले गए? अबे वो बहन के लौंडे। हाँ मामा। उन तीनों को ढूंढ के लिया, और एक काम करियो, ठुकराई ना करियो, चतुराई से लियो नहीं तो भाग जाएंगे। चल निकल।
देखो भाइयों, अब मुझे एक ही रास्ता समझ आ रहा है, भूख मिटाने का कि रात बिताने का। साले के हड़प्पा में से निकला है जन्मों का भूखा। भाई मनोज, मैं तो कहता हूँ आज हम दोनों ना इस मच्छी को तल के खाते हैं। ओए यार बकवास बंद करो, मुझे ये इस मुसीबत में से निकलने का एक ही रास्ता समझ में आ रहा है। क्या? देखो, जैसा कि तुम लोगों ने सुना कि मकसूद इस सीडी के मुंह मांगे पैसे देने को तैयार है, क्योंकि उसका सारा बिजनेस इसी से चलता है। तो अगर हम उसको ये सीडी दे ही इसी शर्त पे कि वो हम तीनों को जाने देगा, तो शायद बात बन सकती है। इससे हम तीनों की जान भी बच जाएगी और मकसूद का भी नुकसान नहीं होगा। तुझे बड़ी फिक्र हो रही है मकसूद के फायदे नुकसान की। बेटा उसके पास जाएगा ना तो पहले तेरा पिछवाड़ा तोड़ेगा, फिर तेरे से बात करेगा। और वो क्या कहते हैं, हाँ, beggars are not choosers। और सुन, ये बंदूक वाले और संदूक वालों में बहुत फर्क होता है, और तेरे पास तो संदूक भी नहीं है। तो ये सापन ब्रेड पे लगा के खाता है। बड़ा है नेगोशिएट करने वाला। हाँ जी श्रीमान जी, सीढ़ी ले लो, जान बख्श दो। अच्छा भाई, जब तेरे से पहले आराम से बोली थी, फिर क्यों नहीं दी तूने? मैं डर गया था। अबे हकला तो ठीक से ले, ला 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 नहीं, मैं डर गया था, बोल। साहब जी, आपको भयानक बोल रहा है, कह रहा है कि आपको देखकर डर गया था। अच्छा जी, जरा भाई इसको पकड़िए, लाओ। अब जब इसने हमको भयानक कह ही दिया है, तो इसको अपनी भयानकता का परिचय अब दे ही देते हैं। साले, बड़ा साले का बंदर, हर साले का गाल, किसके पास है सीढ़ी? अबे तुम्हारा पिछवाड़ा उल्टा क्यों दिखाई दे रहा है? सांस भी ऊपर से नीचे आ रही है, कहीं मैं मर तो नहीं गया? अरे नहीं मरा तो मार देते हैं। इंस्पेक्टर साहब, अब उल्टे क्यों दिखाई दे रहे हो? अबे भूतनी के, मैं उल्टा नहीं खड़ा, तू उल्टा टंगा है, टंगा है, टंगा है, टंगा है। इंस्पेक्टर, प्लीज मेरे को नीचे उतार दो ना। अच्छा नीचे मत उतारो, सीधा कर दो। क्या मुझे बहुत जोर से सुसु आई है, प्लीज इंस्पेक्टर साहब। अबे ऐसे ही कर ले। ऐसे कर ले? इंस्पेक्टर साहब ऐसे करूंगा तो आधा मेरे मुंह पे और आधा आपके गिलास में जाएगा। अरे इंस्पेक्टर साहब रुक जाओ, हम आपको सब बताते हैं, मारना बंद करोगे तो बताएंगे ना। पूरी कहानी तो हमारे पीछे टाइप कर दी आपने शॉर्ट हैंड में। चलो टेप रिकॉर्डर की तरह शुरू हो जाओ, वरना किसी लायक नहीं छोड़ूंगा। सर दरअसल बात यह है कि तो सर ऐसे हो गया। ये बात है। अच्छा सीडी किसके पास है? मच्छी के पास। अबे तेरा और सीडी का कोई चक्कर है क्या? और तुझे एंटरटेनमेंट की चीजों से कुछ ज्यादा ही प्यार है? चुपचाप सीडी इधर दे दे। वो अगली पॉकेट में है, गीली होगी होगी। और रामकिशन जी साहब, और खोल दे इसको यार। तेरी सर हम फंस गए हैं सर, हमको आपकी हेल्प की जरूरत है। जब फिल्म बना रहा था तब तो नहीं कही तूने कि सर आपकी हेल्प की ज़रूरत है, और जब घोड़े लग गए तो सर की याद आ रही है। उठ, मर गया क्या? सीढ़ी दे। रामकिशन इधर आओ। जी साहब। ये सीढ़ी ले और इसके सारे खाते खोल डाल। ठीक है साहब। अब हमें मकसूद को रंगे हाथ पकड़ना पड़ेगा, और इसमें तुम सब पुलिस का साथ दोगे,
और अगर साथ नहीं दिया ना तो इसे तो उल्टे पांव लटकाया था। बॉडी में और भी पार्ट होते हैं लटकाने के लिए। मकसद भाई वो तीनों आए थे मगर वहीं से भाग गए। वो कुछ देके नहीं गए मकसद भाई, आप उस पर यकीन करो। मुझे पानी से निकाल दो मकसद भाई, प्लीज पानी से निकाल दो, मेरा दम घुट रहा है मकसद भाई, प्लीज पानी से निकाल दो। अबे तुझे कैसे पता पानी है सस्सु? खुशबू नहीं आई, बजा। हेलो हेलो मकसूद भाई। अरे आपने कैसे कॉल किया? हाउ डिड यू कॉल? आई वाज जस्ट यादिंग यू, यादिंग यू एंड गाली देंग एंड सुसु को सुसु में डुबोइंग। वो मकसूद भाई, आज तक जो कुछ भी हुआ ना, मैं उसके लिए आपसे माफी मांगना चाह रहा था। माफी गई ऑयल लेने, जल्दी आ सीडी देके जा। हाँ मकसूद भाई, वो सीडी तो मेरे पास ही है। मैं क्या कह रहा था मकसूद भाई, आपसे ना एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी। वो जो सीडी आपने मेरी बनाई थी ना, अगर आप उसकी सारी कॉपीज मेरे को दे देते तो। अरे बेटा तू पहले इधर आ तो जा, तेरी खातिर के ऐसे इंतजाम किए हैं कि यू विल रिमेम्बर द मिल्क यू हैड इन सिक्स। हाँ भाई क्या बोल रहा था वो? कुछ मिल्क बोल रहा था। अरे मिल्क नहीं, मिलके बोल रहा होगा। अरे तू वो सीडी दियो मेरे को जरा। तू मेरे लिए अपनी कुर्बानी देगा? तू ही मेरा सच्चा भाई है। चल भाई कोई कुर्बानी नहीं, तू भी मेरे साथ चलेगा। मैं नहीं जाऊंगा। ओए जाऊंगा, मेरे को क्या, मैं भी जाऊंगा। चलो जहां चलना है चलो। जेबों की तलाशी लो। तुम्हें क्या लगता है मकसूद भाई, मैं सीडी जेब में लेके घूमता हूँ? लेकिन सीडी है मेरे पास ही है, पर मैं आपको दूंगा तब जब आप मुझको मेरी सीडी की सारी कॉपीज वापस दोगे। अच्छा हीरो है, हैं? नेगोशिएट करेगा, ये देखा है ना? पंजाबी! अबे पक गया था जो डाली से टपक पड़ा अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, कभी किसी सरदार का नाम सुना अब्दुल्ला? बेटा जो बेगानी शादी में टपक पड़े ना उसको अब्दुल्ला ही बोलते हैं। जल्दी बता कौन कौन तेरे साथ है वरना गोली मार दूंगा। मकसूद भाई ये सारा प्लान इसका था, मनोज का। ये कह रहा था कि मकसूद से, मेरा मतलब मकसूद सेठ से इस सीडी के ना पैसे ऐंठेंगे। मकसूद भाई मेरे को जाने दो, मेरा तो कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। अब आप बताओ मजे इसने लिए, सीडी आपकी है, मैं फालतू में यहाँ मजे ले रहा हूँ। मकसूद भाई मेरे को जाने दो ना। बेटा अब तो यहाँ से वापस वही जाएगा जिसके पैरों की किस्मत में वापस जाना लिखा होगा। ए! ये कह रहा है तेरे पास है सीडी निकाल। मेरे पास कोई सीडी वीडी नहीं है, सीडी तो इस मच्छी को दी थी। ओ, पाजी बिल्कुल बकवास कर रहा है, मेरे पास कोई सीडी वीडी नहीं है। हाँ घर पे एक सीडी है जिसपे चढ़ के मैं रोज पतंग उड़ाता हूँ, कहते हो तो वो दे दूंगा। चुप है, अब जो डिसाइड करेगी ना ये पिस्तौल की गोली डिसाइड करेगी। ओए अपने गॉड को रिमेम्बर कर ले। वाहेगुरु अब बस हुक्म का इंतजार है। और उसका हुक्म ये है कि इस बंदे को फौरन मेरे पास भेजो। क्या? हाँ ए ए वन टू ए। सुसु भाई को अंदर पकड़ के रखा है, चलो अंदर धज्जी उड़ा दो सालों की। चलो चलो चलो, चलो। मनोज सीडी पकड़। चलो 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 च
जी मामा। अच्छा मौका है यहाँ से निकलने। नहीं मामा, मैं मकसूद को सबक सिखाए बगैर नहीं जाऊंगा। अरे भागे भागे। मकसूद, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतने सारे देवताओं में पहलवान ही मिला था बस। अबे मच्छी, सुबह से दौड़ा दौड़ा के कोलू का पैर बना रखा है, अबे भौंक क्यों नहीं देता किसी ने कहा है? अबे जब मेरे पास है ही नहीं तो क्या मैं अभी बता दूं कि गाड़ी की डिक्की में है? तो फिर मरने के लिए तैयार हो जा। अबे मिर्गी आ गई क्या? ओ, साले मारूंगा एक। चिड़िया, तोता, मैना, बटेर, चील। ए मच्छी रुक जा। देख, एक बात क्लियर कर दूं। ओ ये मकसूद है और मैं हुकुम सिंह हूँ। ओ भाई एक बात बता दे, ओ तू किसकी तरफ से खेल रहा है? सर मैंने किसी और की तरफ जाके मरना है? मैं तो आप ही की तरफ हूँ। अबे तो बार बार मुझे क्यों मारता तू यार? ओ पकड़ उसको। कम ऑन। इतना शुद्ध माल है कि खुशबू से ही चक्कर आ गए। कौन है बे तू?
अबे इतनी बदबू आ रही है तेरे से, अबे पैजामे में पेशाब करता है क्या? मैं क्या बोला था सर? आदमी से आ जाते हैं गंदी नाली के कीड़े। अबे क्या बोला तू? गंदी नाली का कीड़ा बोला तू? कीड़ा बोला तू? गंदी नाली का कीड़ा बोला तू? इधर इधर चल 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 तू क्या बोला? कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा क्योंकि गन भी अब अपने पास है और सीढ़ी भी। ए, चलो, चलो। खैर मकसूद और उसका चांडाल गैंग पकड़ा गया और इसके साथ उसका सीडी पायरेसी का धंधा भी बंद हो गया। सुसु पांडे और उसकी बहन के लड़के को भी पुलिस ने धर दबोचा और हुकुम सिंह की नौकरी जाते जाते बच गई। राघव ने भी अपने किए हुए कांड की मुझसे माफी मांग ली और फाइनली पुष्प को एक गर्लफ्रेंड मिल गई। और यही नहीं, मच्छी की कहानी भी प्रोड्यूसर ने खरीद ली और मैं बेबी बेबी थर्ड टाइम इधर आओ। ओके, ये सब हुआ कैसे बताता हूँ। भाई अब ना अपने पास भी पैसा होगा, गाड़ी होगी, ऐशी ऐश होगी भाई, ऐशी ऐश। और सुन, अब ना ये करोल बाग में नहीं रहेंगे, अब हम रहेंगे चिक्के में, वो भी एम ब्लॉक। भाई क्या हुआ, तुम लोग ये पके हुए आम की तरह मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? वो इंस्पेक्टर आया था। हैं? हुकम सिंह? क्या बोला? वो बोला कि जो सीढ़ी तूने उसको लॉकअप में दिखाई थी ना, हाँ? वो सीडी भी वो सीडी नहीं है जो हुकुम सिंह और मकसूद भाई को चाहिए थी। अबे उस सीडी में राजस्थानी लोकगीत थे। अरा रा 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 रा। क्या? हाँ। तो वो सीडी कहाँ है? तो साले वही तो, कहाँ गई सीडी? तुझसे एक काम बोला था, तुझसे वो भी ठीक से नहीं होता, ये सारी इसी की गलती है। अबे मार, मार इसको, मार। इंक इंक तो क्वार्टर सा लागे भाई, पूरा खंबा लंबा क्वार्टर सा लागे भाई, सितार का सुर असुर सा लागे भैये, पंटा धार किस्मत बैंजो बैंजो सुनाई में आए। नगरी अंधेर थी, पीपल टोल्ड में फेर थी, रात का चौकीदार बन गया,
सिगरेट चुम फनकार बन गया। जो बोलते थे अपनी किस्मत अपने हाथ में, कुछ बात नहीं थी उनकी उस बात में। मन परिवर्तन हुआ है हवालात में, हवालात में, हवालात में। ये वाला भी हवालात में, वो वाला भी हवालात में। आगे वाला अरे पीछे वाला, वो सारे भी अरे आगे वाले पीछे वाले। आई मीन गुनाहों का घड़ा पूरा भर चुका है, डंडा लेके फोड़ने सांड खड़ा है। कबर खुदी है, रियासत लुटी है, तू अब भी ओए सनम के पप्पू पेन को लेके खड़ा है।